हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन गौतम एग्रीकल्चर स्टडी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। खासकर ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि BHU PAT की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं 2017 के पेपर के बारे में। ठीक है, 2017 के जो एग्रीकल्चर के जो पोर्शन थे उसको हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए, आपको एक थाट्स बता दें, विनर द हु विंस इन द लास्ट लैप। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर का जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है BHU में। ओके, तो देखिए उसमें क्या होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, उसमें मेंटल एबिलिटी होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें कितने होते हैं, 25। ओके, सेकेंड पार्ट क्या होते हैं, केमिस्ट्री में क्या होते हैं, यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं। ओके, एंड जो थर्ड पार्ट होता है उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी, ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी, इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 50 होते हैं, ये हाफ हाफ रहते हैं। 25 जो होते हैं वो बॉटनी के होते हैं और 25 जो होते हैं वो जूलॉजी के होते हैं। और फोर्थ पोर्शन जो होता है वो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होता है, जो कि यहाँ पर भी 50 होते हैं, ये भी दो पार्ट में बटे रहते हैं, 25 मैथमेटिक्स के रहते हैं एंड 25 फिजिक्स के रहते हैं। और जो फिफ्थ पार्ट होता है ये दोस्तों एग्रीकल्चर के होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं, ये जनरल एग्रीकल्चर से होते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते हैं। तो आपको बता दें आपको टच कौन कौन से पोर्शन को करना रहता है, फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन जो होता है केमिस्ट्री एंड मेंटल एबिलिटी, जो फर्स्ट पार्ट है मेंटल एबिलिटी, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री, ये कंपलसरी होता है, ये सभी लोगों को करना रहता है। ठीक है, उसके बाद है आप या तो इन तीनों में से जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है इसमें से किसी एक को कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जब अपने टाइम पे दिया था तो फिफ्थ पोर्शन को यानी एग्रीकल्चर को चूज किया था, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो सही हुए थे सबसे ज़्यादा फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ में मेरे एग्रीकल्चर सही हुए थे। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले एग्रीकल्चर को। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है यहाँ पर, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए BHU का ये सेट वन है। ओके, ये सेट वन है 2017 का पेपर BHU के। आपको इंस्ट्रक्शन सबसे पहले पेपर देने से पहले आपको पढ़ना चाहिए सही पेपर का। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे बात करेंगे एग्रीकल्चर पोर्शन के। 151 से स्टार्ट होता है, 200 तक ये जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखिए 151 जो क्वेश्चन है वो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पोमोग्रेनेट बिलोंग्स टू फैमिली, कौन से फैमिली से है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, सोलेनासी, कैरेसिनी, रोसेसिनी एंड लेथरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है इसका, पोमोग्रेनेट जो होता है अनार जो होता है वो लेथरेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है, परसेंटेज ऑफ विटामिन ए इज हायर इन, यहाँ पे देखिए कैरोट, टोमेटो, ब्रिंजल एंड ऑनियन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है कैरोट। ओके, आपको बता दें इस जो पोर्शन है ये इसको सॉल्व किए हैं शिवानी मैम ने और मैंने मिलकर के, दोनों लोग ने सॉल्व किए हैं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन डाउट भी थे तो हम लोग उसको डिस्कस किए हैं और सॉल्व किए हैं, तो आपके लिए बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव होने वाला है। चलिए 153 क्वेश्चन के, इटावा पायलट प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड इन ईयर, कब हुआ था। तो ये देखिए ऑप्शन है इसका, 1948, 1950, 1952 एंड 1960। तो इसका राइट आंसर है 1948। ठीक है, 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP वाज लॉन्च्ड इन ईयर, कब हुआ था। ऑप्शन देखिए, 1970, 1975, 1978 एंड 1980। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1978, जो IRDP जो था 1978 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ICER इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट, ऑप्शन देखिए, कानपुर, जयपुर, नागपुर, न्यू दिल्ली। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स कल्टीवेट राइस इन रबी सीजन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन इसका राइट आंसर है वो है फर्स्ट, उड़ीसा। ठीक है, आपको बता दें यहाँ पे जैसे मछली चावल लोग ज़्यादा मशहूर है खाते हैं, वैसे तो वेस्ट बंगाल में भी मछली चावल खाया जाता है, बट उड़ीसा में भी जैसे राउरकेला का इलाका जो है वहाँ पे ज़्यादातर खाया जाता है, तो वहाँ पे
रबी सीजन में भी राइस को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157। ओपन पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है पैडी, मेज, व्हीट एंड पी। तो 157 का जो राइट आंसर है वह सेकेंड नंबर मेज। ओके, मक्का में ओपन पोलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स इज एम्फीडोप्लॉयड्स, ठीक है, इसका जो देखिए राइट आंसर होना चाहिए। आप देखिए ऑप्शन देखिए, सबसे पहले पैडी, मेज, व्हीट एंड पी। तो 155 का जो राइट आंसर है वह फर्स्ट नंबर पैडी। ओके सॉरी 158 है ना, 158 का थर्ड यहाँ पे व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 159, द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर इज, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको बता दें 2017 का है, तो उस समय भी डॉक्टर एमपी सिंह ही थे और अभी भी 2020 में यानी 2020 में भी एमपी सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 160, रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, जो आरआरबी की स्थापना की गई थी कब की गई थी, देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखिए 1970, 1975, 1980, 1985। इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड नंबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज सुटेबल फॉर लाइट सॉइल, ऑप्शन देखिए ग्राउंडनट, व्हीट, मेज, राइस। इसका राइट आंसर ग्राउंडनट। नेक्स्ट है 162 नंबर, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप इज नॉट अ पल्स क्रॉप इन इंडिया, ऑप्शन देखिए ग्राम, सोयाबीन, राजमा एंड पी। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सेकेंड सोयाबीन। सोयाबीन इसको हम दलहन फसल इंडिया में नहीं मानते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 163, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, तो यहाँ देखिए उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है। नेक्स्ट 164, फास्फोरस इज प्रेजेंट इन डीएपी इन द फॉर्म ऑफ, फास्फोरस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यहाँ पर देखिए फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फाइड या ऑल ऑफ दिज। तो आपको डीएपी का फुल फॉर्म याद है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो आप इससे भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं, जैसे फॉस्फेट आ रहा है उसमें डीएपी में, तो फॉस्फेट आप याद रख सकते हैं, इसका फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, अर्ली ब्लाइट जो पोटैटो का होता है वो किससे होता है, ऑप्शन देखिए फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड नेमेटोड। ठीक है, तो 165 का जो आंसर है वो है फंजाई। ठीक है, ये किसके कारण होता है, जो इसके काजल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन होते हैं, अल्टरनेरिया सोलोनाई, और जो लेट ब्लाइट होता है उसका होता है फाइलोप्थोरन इन्फेस्टांस। उसके बाद देखिए 166, मालफॉर्मेशन डिजीज इज कॉमन इन, किसमें होता है, ऑप्शन देखिए बनाना, मैंगो, गुआवा, कोकोनट। ठीक है, तो ये किस में होता है मालफॉर्मेशन, ये कॉमनली देखने को मैंगो में मिलता है। ये आपको बता दें नॉलेज के लिए आपको, ये कब हुआ था, सबसे पहले दरभंगा बिहार में इसको देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया था, 1891 में। ओके, इसको फर्स्ट दरभंगा बिहार में देखा गया था, मैंने वीडियो भी बनाया था। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो के बारे में, उसमें आपको और भी जानकारी मैंगो से रिलेटेड मिल जाएगी। उसके बाद है 167, मोलेकुलर ब्रीडिंग हेल्प्स प्लांट ब्रीडर्स इन, किसमें हेल्प करता है प्लांट ब्रीडर को मोलेकुलर ब्रीडिंग जो होता है, देखिए ऑप्शन इम्प्रूवमेंट इन पॉपुलर वैरायटी, डेवलपमेंट कम्प्लीटली अ न्यू वैरायटी, डेवलपिंग ट्रांसजेनिक्स एंड नॉन ऑफ दिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इम्प्रूवमेंट, फर्स्ट वाला है इम्प्रूवमेंट इन अ पॉपुलर वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168, खैरा डिजीज इन राइस कॉज्ड बाय, ये सबको पता होगा ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ जिंक। ओके, नेक्स्ट अल्टरनेरिया ब्लाइट इन मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय,
किसके कारण होता है, अल्टरनेलिया ब्लाइट जो होता है मस्टर्ड में, ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फंगस। ओके, थर्ड इसका फंगस राइट आंसर है। नेक्स्ट 170 क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय, यहाँ पे ऑप्शन देखिए जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा और फेलोजेन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्लोएम। ठीक है, आपको पता होगा जाइलम जो होता है वो मिनरल एंड जितने भी वाटर और मिनरल को वो ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम जो होता है वो जो भी फूड बनता है प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से, उसको वो ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 171, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इथाइलिन, एसिटिक एसिड, इथेनॉल एंड जिब्रेलिक एसिड, इसका जो राइट आंसर है वो है इथाइलिन। ठीक है, फर्स्ट वाला। गोल्डन राइस इज नोन फॉर हाई विटामिन ए, हाई प्रोटीन, हाई कैल्शियम, हाई जिंक, इसका राइट आंसर फर्स्ट है हाई विटामिन ए, सबको पता होगा ये। उसके बाद है 171, मलिका इज ए वराइटी ऑफ एप्पल, मैंगो, लीची, पपाया, तो इसका जो राइट आंसर मलिका जो है वो है मैंगो। 174, इफ अ जीन फ्रॉम फिश प्रोड्यूस इनटू राइस देन द राइस प्लांट विल बी नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूटेंट प्लांट बोलेंगे या हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे, डबल हाइब्रिड प्लांट बोलेंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। ओके, फोर्थ इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, क्रॉप बिलोंग टू ब्रैसिका जेंसिया, ऑप्शन देखिए वीट, राइस, मस्टर्ड, येलो, सरसों, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मस्टर्ड। उसके बाद है 176, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए डॉक्टर बी पी पाल, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर आर एस परोड़ा, डॉक्टर आर बी सी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद है 177, म्यूटेशन इज जनरली, म्यूटेशन जो होता है वो मतलब जनरली कैसा होता है, तो ऑप्शन देखिए रिसेसिव एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड हार्मफुल, डोमिनेंट एंड यूजफुल एंड रिसेसिव एंड यूजफुल, तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिसेसिव एंड हार्मफुल, फर्स्ट इसका करेक्ट। म्यूटेशन हमेशा मतलब रिसेसिव होता है, यानी कुछ उसके करेक्टर छुप जाते हैं और हार्मफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 178, हु इज रिगार्डेड फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ऑप्शन देखिए ग्रेगर जोहान मेंडल, यॉन लॉन्गपिंग, उसके बाद है आर एच रिचारिया एंड जी एस कुश, तो इसका जो राइट आंसर है वो है यॉन लॉन्गपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन देखिए क्रोमोजोन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट 180, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज यूज एज बायो फर्टिलाइजर, राइजोबियम कल्चर, ट्राइकोडर्मा, एजोला, ऑल ऑफ दिस, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑल ऑफ दिस, यानी ये सारे बायो फर्टिलाइजर के लिए यूज किए जाते हैं। आप प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि पीएटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 181, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए, डीएनए, बोथ, नॉन ऑफ दिज, इसका राइट आंसर है आरएनए, आरएनए में होता है यूरासिल। उसके बाद है 182, ब्राउनिंग सिम्टम इन कॉलीफ्लावर इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, ठीक है, कॉलीफ्लावर में ब्राउनिंग सिम्टम किसके कारण होता है, किसके डिफिशियंसी के कारण से, ऑप्शन देखिए बोरॉन, आयरन, जिंक, मॉलिब्डेनम, ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, पीजीपीआर इज कंसर्न्ड विथ बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन प्लांट, हार्मफुल बैक्टीरिया इन प्लांट, बेनिफिशियल फंगस इन प्लांट, इसके बाद है हार्मफुल फंगस इन प्लांट, तो जो 183 का राइट आंसर है वो है फर्स्ट, यानी कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184,
विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ग्रोन सुटेबली एज एन इंटरक्रॉप विथ वीट। किसको हम मतलब जैसे इंटरक्रॉप के तौर पे यूज कर सकते हैं वीट के साथ? ऑप्शन देखिए, शुगर केन, पिजन पी, पोटैटो, मस्टार्ड। राइट आंसर फ्रेंड्स मस्टार्ड। ठीक है, उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं उसको। उसके बाद है 185 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए, द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, कहाँ पे है IARI लोकेटेड कहाँ है? ऑप्शन देखिए, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 186, ग्रास ऑफर बिलोंग्स टू ऑर्डर। ऑप्शन देखिए, लेप्टोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, आइसोप्टेरा एंड ब्लैटोडिया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑर्थोप्टेरा। मैंने वीडियो ही बनाया है ग्रास ऑफर पे, और जो टिड्डी पे बनाया था उसमें भी ग्रास ऑफर के मैंने जिक्र किया था, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद है 187, SRI इज अ मेथड ऑफ, श्री मेथड किसके लिए यूज किया जाता है? पैडी कल्टीवेशन, रैपसीड कल्टीवेशन, वीट कल्टीवेशन, शुगर कल्टीवेशन। ठीक है, तो ये पैडी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है SRI मेथड। उसके बाद है 188 क्वेश्चन नंबर जो है, एफिड इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ, एफिड जो है वो किसके प्रॉब्लम है? वीट, मस्टार्ड, पी या बार्ले। तो ये सबसे ज़्यादा है क्वेश्चन नंबर ये 188 मस्टार्ड। ठीक है, 189 ट्रिटिकम एस्टियम इज ए बोटानिकल नेम ऑफ, किसके हैं ये? वीट। इसका राइट आंसर है वीट। नीलम एंड द सरी इज द पेरेंट ऑफ वराइटीज, ये किसके हैं? ऑप्शन देखिए, मल्लिका एंड अम्रपाली, मल्लिका एंड लंगरा, लंगरा एंड अल्फांसो, अम्रपाली एंड लंगरा। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट, मल्लिका एंड अम्रपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 199, आशीर्वाद इज ए वराइटी ऑफ, आशीर्वाद किसका वराइटी है? ऑप्शन देखिए, मस्टर्ड, सीसम, लिनसीड एंड ग्राउंडनट। तो मस्टर्ड आशीर्वाद जो वैरायटी है वो है मस्टर्ड का, फर्स्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 192, विच क्रॉप इज बीइंग यूज्ड एज ग्रीन मैन्योरिंग, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए कौन सा क्रॉप को हम यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, शुगर केन, सेसबानिया, राइस, मेज। तो इसका जो राइट आंसर है सेसबानिया। ठीक है, ढैचा। नेक्स्ट 193, विच ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इन्हांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टार्ड? ऑप्शन देखिए, जिंक, सल्फर, आयरन, बोरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सल्फर, सेकंड राइट आंसर। सल्फर को हम यूज करते हैं, जो जितने भी तिलहन फसल होती है उनमें हम सल्फर को यूज करते हैं। वो क्या करता है, उनके ऑयल कंटेंट को, मतलब जो ऑयल की मात्रा है उनको वो इन्हांस करता है, बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 194, हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज अवेलेबल इन व्हीट ग्रेन्स? ठीक है, व्हीट में कितने परसेंट प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए, 9 to 13, 15 to 20, 22 to 25, 28 to 30। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 194 का फर्स्ट, 9 to 13%। क्वेश्चन नंबर 195, विच वन ऑफ द फ्लोइंग क्रॉप्स हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू सॉइल? ऑप्शन देखिए, मेज, राइस, राजमा, शुगर केन। इसका जो राइट आंसर है वो है राजमा। नेक्स्ट, फॉर रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल वी यूज, अल्कलाइन जो सॉइल होती है उनको हम रिक्लेमेशन के लिए कौन सा मेथड को यूज कर, कौन से मतलब यूज करते हैं? देखिए, यहाँ पे जिप्सम है, लाइम है, यूरिया है और म्यूरेट ऑफ पोटास है, MOP। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो है जिप्सम, जिप्सम को यूज करते हैं। ठीक है, और एसिडिक सॉइल में हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि लाइम को यूज करते हैं। नेक्स्ट 197, ये देखिए स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशियंट R इज कितना से कितना के बीच में इसका कोरिलेशन कोफिशियंट का रेंज होता है? तो ऑप्शन देखिए, -∞ to +∞, -1 to +1, 0 to 1 एंड 1 to 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो -1 to +1। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 198, पूसा नन्हा इज अ वैरायटी ऑफ विच फ्रूट। पूसा नन्हा जो वैरायटी है किस फ्रूट का है, तो ऑप्शन देखिए, ये बहुत फेमस वैरायटी है, मैंगो, पपाया, गुआवा एंड कोकोनट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है पपाया, ठीक है। उसके बाद है 199, यहाँ पे देखिए, इफ़ नंबर ऑफ ट्रीटमेंट आर 16 देन व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नंबर ऑफ यहाँ पर ट्रीटमेंट 16 है तो ट्रीटमेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसका जो होगा 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर लास्ट है जो कि 200 क्वेश्चन नंबर है, इमेस्कुलेशन इन पैड इज प्रेफरली डन इन, कब किया जाता है जो इमेस्कुलेशन, आपको पता होगा जो रिमूविंग ऑफ मेल पार्ट विदाउट डिस्टर्बिंग ऑफ फीमेल पार्ट, ठीक है। तो इसको हम इमेस्कुलेशन बोलते हैं, पैडी में हम कब करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नाइट, नून या मॉर्निंग या आफ्टरनून। जनरली तो अगर देखा जाए तो मॉर्निंग में किया जाता है, बट जो पैडी के केस में आपको पता होना चाहिए आफ्टरनून में किया जाता है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो आप कमेंट में बताइए हमें आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, शिवानी मैम ने और मैंने दोनों लोगों ने मिल करके, ठीक है। तो आप कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।